ये लोग सनराइज के दीवाने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह सुबह उठकर मैं जा रही हूँ कन्याकुमारी में त्रिवेणी संगम स्नान करने। नहा के तो मैं आई नहीं हूँ, लेकिन सुबह जल्दी उठ के रेडी ज़रूर हो गई हूँ और बस निकल गई हूँ। तो चलिए चलते हैं। और ये है पॉइंट जहाँ से हम जाएंगे सनराइज़ या सनसेट देखने के लिए, पर मैंने यहाँ से कट ले लिया बिकॉज ये शॉर्टकट है, मैं कल भी आई थी इवनिंग। तो फाइनली हमने जल्दी उठ के जा रहे हैं बाहर। हम सुबह 6 बजे भी इतनी भीड़ हो रही है एकदम। फाइनली इस ट्रिप पे मैंने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, सुबह 5 बजे उठने वाला। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। अदरवाइज मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ, तभी उठती हूँ जब ट्रेन में जाना हो या फिर ट्रेन से उतर के आना हो। और यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है, ये लोग सनराइज के दीवाने हैं। और यहाँ हजारों लोग सनराइज देखने के लिए आए हैं। मैं रात को सोच के सोई थी कि जब सुबह जाऊंगी सनराइज देखने के लिए तो वहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन पता नहीं मैंने क्या सोच लिया, बट ठीक है, अब मैं हजारों लोगों के साथ में यहाँ सनराइज देखूंगी और आप लोग भी देख लो। तो मैं टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि अभी सनराइज में टाइम है और मैं चाहती हूँ कि एक भी मोमेंट ऐसे मिस ना हो जाए, इसीलिए मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ टाइम लैप्स में। और मैंने ये ड्रेस पहन ली है जिसकी वजह से लोग मुझे इतना घूर रहे हैं। मतलब मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या होने वाला है सुबह सुबह, बट मैंने ये ड्रेस पहनी कुछ और सोच के। और फिर उसके बाद में बस लोगों की आंखें मुझे देख रही थी, मैं जहाँ भी देख रही थी, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर मिलता है अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर स्नान करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है और लोग यहाँ पर सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये एक तीर्थस्थल भी है। मुझे पता नहीं था, मुझे जस्ट अभी पता चला, मैंने लोगों को देखा और सनराइज़ हो गया। इतना सुंदर व्यू है ना, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, एकदम सूरज इतना सुंदर लग रहा है सुबह सुबह, जिसके लिए मैं आई थी। फाइनली वो व्यू मैंने देख लिया और बहुत मज़े आ रहे हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो फाइनली मैं थोड़े फोटोज क्लिक करवाऊंगी और वीडियोज बनाऊंगी, जो आप देख सकते हो मेरे IG अकाउंट पर जाकर, जो सेम हैंडल है यूट्यूब वाला। तो अब हम इस साइड आ गए हैं क्योंकि स्नान करने जाना है और हम उस साइड जाएंगे बिकॉज पीछे की साइड बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये साइड ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो यहाँ थोड़ी वीडियो बना लेते हैं फिर आगे जाते हैं। तो ये मैंने वीडियो बनवाई और इतनी फ्रेश हवा थी, मतलब लाइफ टाइम मुझे याद रहने वाली है ये वाली ट्रिप। तो मेरी पीछे बच्चे चिल्ला रही थी सांप है, बट सांप नहीं था, वो एक माला थी जो उड़ के आ रही थी, मतलब बह के आ रही थी और उसको लगा कि वो सांप है, बट वो सांप नहीं था। मैं जा रही हूँ आगे स्नान करने क्योंकि मुझे काफ़ी डर लगता है पानी से, ठीक है, लेकिन फिर भी अब आए हैं तो स्नान करने जाना है क्योंकि डर भी निकालना है। और बस यहाँ इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मैं इंजॉय भी कर रही थी और डर भी रही थी, लेकिन फाइनली अब मैं जा रही हूँ, हिम्मत करके अपना बैग साइड में एक दीदी को दे दूँगी और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो मैं आगे गई और बस फिर जो मैंने स्नान करना स्टार्ट किया उसके बाद तो बस 3 डुबकियाँ लगाई। एक आंटी जी ने मेरी मदद की, उन्होंने मेरे को देखा मैं कितनी होपलेस हो रही थी, तो उन्होंने बोला मैं हेल्प कर देती हूँ। उसके बाद तो मैंने खूब अच्छे से नहा लिया, मतलब तो फाइनली मैंने सनराइज़ भी देख लिया और त्रिवेणी संगम में स्नान भी कर लिया और हज़ारों लोगों के साथ सनराइज देखा। एकदम लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस जो मुझे हमेशा याद रहने वाला है। तो ये था episode 3। episode 4 जल्दी ही मेरे चैनल पर मैं अपलोड करूँगी, तो उसके लिए बने रहिए एंड कमेंट्स करिए आपको ब्लॉग कैसा लगा और मुझे बताइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड।